हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जा रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी बनाने, क्योंकि सबका मूंग दाल की खिचड़ी खाने का मन है, हल्का खाने का मन है सबका। तो क्योंकि मम्मी को और पापा दोनों लोगों को हल्का ही खाने का मन कर रहा था कि कुछ ऐसे ही हल्का सा बना लो, तो मैंने कहा मूंग दाल की खिचड़ी सबसे हल्की है, इसलिए मैंने यहाँ दाल चावल साफ़ कर लिए हैं और मैं जा रही हूँ खिचड़ी रखने के लिए। तो यहाँ मैंने खूब सारा पानी डाल दिया है और हल्दी और नमक डाल के, और इसको बिना ढक्कन बंद किए से थोड़ी देर रख दिया है। जब बॉईल होने लगेगी तब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। और मुझे अचानक याद आया कि मैंने जो बूंदी बनाई थी ना उस दिन, बरगद अमावस वाले दिन, बट सावित्री वाले दिन, उस दिन की बूंदी रखी हुई थी, तो मैंने कहा दही भी रखा हुआ है तो चलो बूंदी का रायता भी साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी के साथ में बूंदी का रायता बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने दही को चला लिया है पानी मिला के, इसमें डाल दिया है बूंदी। और उसके बाद में आप लोग कह रहे थे दी बूंदी कैसी बनी थी, तो ऐसी बनी थी जो ये बची हुई रखी थी ना उस दिन, ऐसी ही बनाई थी। तो इसमें डाल दिया भुना जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर और हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें डाल के और इसमें लगा दिया मैंने तड़का। तो ये बन गया हमारा रायता और उसके साथ में ये खिचड़ी भी बन रही है, एकदम पतली पतली बनाई है मैंने, तो इसमें भी मैंने तड़का लगा दिया है, तो ये खिचड़ी और रायता तैयार हो गया। तो यहाँ पर लगा दे रही हूँ मैं सबके लिए खाना। और खिचड़ी मैंने इसलिए और बनाई थी क्योंकि मम्मी का पेट थोड़ा सा हैवी हो रहा था, जैसे हम एक आध दिन अच्छे से नहीं खाते हैं तो पेट हैवी सा होने लगता है, तो इसी वजह से मैंने कहा खिचड़ी रायता सही है। और साथ में खीरा वगैरह रखा था, उसका मैंने सलाद काट दिया है। तो बस यहाँ पर मैं सबके लिए खाना लेके आ रही हूँ, तो सब लोग इकट्ठा यहीं पर खा लेंगे। और साथ में अभी देखिए अभी भी पंचायत चलती जा रही है और ये सेकेंड वाला सेशन चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है तो मैं बीच बीच देखती रहती हूँ, क्योंकि इससे बोर नहीं हो सकते, जब देखेंगे ना तो इतना इंटरेस्ट आता है। और रात में खाने वाने के बाद हम लोग मूवी देखते रहे, मूवी के बाद काफ़ी लेट हो गया, फिर सब लोग सो हो गए। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ते में इडली। मैंने कहा इडली भी काफ़ी हल्की होती है क्योंकि इसमें कुछ ऑयल वगैरह तो ऐसा पड़ता नहीं है और अच्छी भी लगेगी सबको खाने में, तो इसलिए मैं इडली ही बना ले रही हूँ। तो मैंने सूजी को दही में डाल के थोड़ी देर रख दिया था, तो सूजी अच्छे से फूल चुकी है। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दी है सारी कटी हुई सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया, और इन सारी चीज़ों को मिला के थोड़ा सा नमक और हल्का सा सोडा डाल दिया मीठा वाला। और बस मैंने इसको लगा दिया स्टैंड में। और यहाँ पर ये इडली स्टैंड को मैंने पहले से इसमें रख दिया था इंडक्शन में पानी डाल के, तो अच्छे से गर्म हो चुका है। बस 10 मिनट में इडली तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं जब तक बना ले रही हूँ इडली के लिए चटनी, तो मैंने भुने चने साफ करके रख दिए थे और इडली हो गई है, तो मैं इनको निकाल के रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। और ये वीडियो एडिटिंग में ना मुझसे आगे पीछे हो गया है, चटनी बनी हुई रखी है जबकि चटनी मैं आगे बनाऊंगी, और इडली बनने में जितना टाइम लगा था ना तब तक मैंने चटनी बना ली थी, लेकिन वो क्या है आगे पीछे हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं इनको निकाल दे रही हूँ, थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो थाली में निकाल दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ चटनी बनाने के लिए। तो मैंने जो लहसुन थोड़ा सा छील के रखा था इसको गरम तेल में अच्छे से पका लिया है, क्योंकि चटनी में जब भुना हुआ लहसुन डालते हैं तो और अच्छी खुशबू आती है और अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। और थोड़ा सा अदरक काट के डाल दिया है, चने डाल दिए और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, और बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे, तो ये बन जाएगी हमारी चने की चटनी। चने की चटनी, या इसमें मूंगफली भी डाल सकते थे, नारियल भी डाल सकते थे, लेकिन चने मैं रखे रहती हूँ तो मैंने चने की ही बना दी है। तो अच्छे से पिस चुकी है और इसमें मैं लगा दूंगी अब अच्छा सा तड़का, ये लाल मिर्च सूखी और उड़द दाल वगैरह का। तो एक बार सबका नाश्ता हो जाएगा ना तो फिर मैं खाना आराम से थोड़ा सा लेट बना लूँगी, इसलिए मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं सब लोग, और इसी बहाने मैं भी सबके साथ में जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ। पहले मैं क्या था आराम से करती रहती थी, अब मैं क्या सबके लिए लगाती हूँ तो खुद भी फिर टाइम से नाश्ता कर ही लेती हूँ। तो बस हमारी ये चटनी और इडली तैयार हैं, तो मैं सबके लिए यहाँ पर प्लेट लगा लेती हूँ, लेकिन किचन में मेरी लाइट नहीं आती क्योंकि इस टाइम होने लगती है, धूप आने लगती है सामने की। तो
आ जाइए आप लोग भी इडली और चटनी खाने के लिए। वैसे मैं सांभर भी बना सकती थी लेकिन इनको चटनी से ही पसंद है, मुझे भी चटनी से ठीक लगती है, तो फिर मम्मी ने कहा चटनी ही बना लो, चटनी से इडली खप जाएंगी। और इसकी चल रही है यहाँ पर साइकिल, जब से ये सो के उठता है तो सीधे साइकिल चलाने में लग जाता है, लेकिन अभी क्या है पूरे पहिए नहीं घुमा पाता है क्योंकि ये साइकिल थोड़ी सी ऊंची है, तो पूरा एक राउंड नहीं घुमा पाता है, थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके चलाता है। और नाश्ते वास्ते के बाद में मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, तो सबसे पूछा बड़ी मुश्किल में फाइनल हुआ कि दाल और करेले बनाने हैं, तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर करेले और अरहर की दाल चावल रोटी। तो करेले काट के और नमक लगा के ऊपर से मैंने ये चकला रख दिया है ताकि इनका जितना कड़वापन हो वो निकल जाए। और थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे वो मैंने साफ़ किए। तो यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि सब्जी मंडी चलना है क्या, मैं सोच रही थी मैं मम्मी को भी सब्जी मंडी घुमा लाऊँ यहाँ की, जहाँ से मैं सब्जी वगैरह लाती हूँ, तो मतलब अच्छा रहता है ना कि दूसरे जगह की चीज़ कैसे क्या कहाँ क्या मिलता है वो सब देखने को मिलता है, तो कुछ समझ में भी आएगा, मम्मी भी बताएंगी क्या ले लूँ क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और यहाँ पर ये नया पाउडर का डिब्बा फैला गया था, कोई नहीं देख पाया कमरे में, तो फैला गया है पूरा, तो मैंने अभी साफ़ किया है। गर्मियों के लिए ठंडा पाउडर लेके आई थी लेकिन एक दो बारी कोई लगा पाया है और बस पूरा फैला दिया उसने, कुछ ऊपर ऊपर का तो मैंने भर के रख दिया है। तो यहाँ पर मम्मी साड़ी पहन के तैयार हो गई, तो हम लोग जाते हैं मार्केट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने, मैं जा रही हूँ और मम्मी को भी सब्जी मंडी ले जा रही हूँ, तो मैं दिखा के लाऊंगी कि हम कहाँ से सब्जी लाते हैं, मम्मी को भी कुछ समझ में आएगा कि क्या लेना है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ग्वार की फली, टमाटर, खीरा, लौकी, नींबू, हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया सारी सब्जी ले ली है, करेले नहीं लिए हैं, करेले तो आज ही बनाए थे। और दूसरी दुकान से एक जगह से मैं पालक भी ले आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी पालक जैसे दाल वगैरह में डाल के बन जाती है इसलिए। और यहाँ पर मुझे आम दिख गए तो फिर मैंने 2 किलो आम भी ले लिए हैं। और मार्केट से आने के बाद मैंने पापा से बोला है इनो लाने के लिए, यही नीचे ही मिल जाता है, तो मैंने उनको बता दिया कि बगल से ही दुकान है, क्योंकि मम्मी को लग रहा था थोड़ा सा हैवी सा पेट, तो मैंने कहा इनो डाल के पी लेंगी तो ठीक रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो मैं सब्जियाँ लेकर आई थी इनको सबको मैं निकाल देती हूँ साफ़ करने के लिए। और ये करेले मैं काफ़ी पहले ही काट के नमक लगा के रख गई थी, मार्केट जाने से पहले ही रख गई थी, तो उनको मैं धो के रखाई हूँ बनाने के लिए। और जब तक बैठ के यहाँ पर मैं मम्मी से करने लगी हूँ थोड़ी बातें, और पापा भी आ गए इन्हों लेने क्योंकि पास में ही था, नीचे बिल्कुल बगल से ही दुकान है, तो बस वो लेके आ गए तुरंत। तो पहले मैं मम्मी को इन्हों ही डाल के दे देनी हूँ 1 गिलास पानी में, ताकि खाने वाने के टाइम तक उनको जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो ठीक लगेगा। तो बस मैं जा रही हूँ यहाँ पर इन्हों देने मम्मी को, उसके बाद मैं बनाऊँगी करेला। तो बस तो एक तरफ गैस में मैं सब्जी छौंक दूंगी, दूसरी तरफ मैं दाल रख दे रही हूँ पकने के लिए, तो दाल भी डिब्बे में अभी ख़त्म हो गई थी, तो मैं साथ ही साथ भर भी दे रही हूँ। अभी जल्दी मैं 1 पैकेट ही भर दे रही हूँ, बाद में भरती रहूँगी क्योंकि ये 2 किलो का डब्बा है, इसमें 2 पैकेट आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बनाने के लिए धो के दाल रख दे रही हूँ, तो धीरे धीरे जब तक पकेगी तब तक दूसरी तरफ करेले भी हो जाएंगे। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, अभी लगभग 10:15-10:30 का टाइम हो रहा है, तो बस इसलिए मैंने कहा आराम आराम से 11-12 बजे तक खाना बन जाएगा। तो एक तरफ मैं जा रही हूँ दाल रखने, और ये है ना कि दाल करेला चावल रोटी एक अलग देसी खाना है, मतलब मज़ा आ जाता है।
मुझे करेला बहुत पसंद है, मतलब चाहे ऐसी सिंपल काट के बनाओ चाहे भरवा वाले बनाओ, लेकिन ये वाले जल्दी बन जाते हैं और ठीक भी रहते हैं, पक भी जल्दी जाते हैं, तो इसलिए मैं काट के ही बना लेती हूँ। भरमा के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो यहाँ तेल गरम होने के बाद में जो जो भरमा में मसाले डालते हैं ना वही सारे मैंने डाल दिए हैं, सौंफ, जीरा, मेथी, थोड़ा सा खड़ा धनिया, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, जीरा वगैरह। उसके बाद बस प्याज डाल दिए काफ़ी सारे और लहसुन डाल दिया, ये सब भुन गए, तो करेले डाल दिए हैं, तो बस वहाँ धीरे धीरे हो रहे हैं। और जब तक ये सब्जियाँ मैंने सारी निकाल के अलग अलग करके रखी थी, इनको मैं धो ले रही हूँ। मम्मी को सब्जी मंडी में उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन मुझे भी नहीं आती है इतनी, लेकिन काम चलाऊ हो जाता है कि अपना काम कर लाती हूँ मैं, इतनी तो समझ में आ जाती है। लेकिन मम्मी को मैं जो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था तो मैं उनको बताती जा रही थी, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अरबी का मुझे आज ही नाम पता चला, लेकिन मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। और जब तक मैंने सब्जी वगैरह धो के रखी है तब तक यहाँ दाल भी हो गए और करेले भी होने ही वाले हैं, तो बस अब मैं रोटी सेक लूँगी और थोड़े से बना लूँगी चावल। और उसके बाद में सबके लिए लगा दिया मैंने यहाँ पर खाना, दाल, चावल, रोटी, करेला। तो आप लोग भी आ जाइए और लंच कर लीजिए। और उसके बाद खाने वाने के बाद मैं जा रही हूँ दुपट्टे में सब्जियाँ सुखाने जो मैंने धो के रखी थी, क्योंकि जल्दी सूख जाएंगी तो मैं जल्दी फ्रिज में लगा दूँगी, या पंखे के नीचे जल्दी सूख जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर सब्जी वगैरह बाहर रखी रहती ना, सोचो बास्केट में ही रख के सूख जाएँ, तब तक ये आधी सब्जियाँ ख़राब कर देता है, इसलिए मैं यहाँ जल्दी सुखा के जल्दी अंदर रख दूँगी। तो बस यहीं पर मैं इस वीडियो को अभी कर रही हूँ एंड, मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।